तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल द एक्सप्लोरर फ्रॉम J&K। भाई साहब सुबह के बज गए 7 और हम उठ चुके हैं और लक्की भैया बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। लक्की भैया ओम नमो नारायण। तो जय जय श्री राधे। कहाँ जा रहे हैं लक्की भैया? हम जा रहे हैं वोल्वो बस स्टैंड पे फिलहाल। हाँ, हमारे गेस्ट आ रहे हैं नंदगांव से, बरसाना से लेने के लिए। पुजारी जी आ रहे हैं, उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। जय हो भाई साहब। आपने कैसे सुन लिया? लक्की भैया ने बताया कि बरसाना नंदगांव के जो पुजारी हैं वो आ रहे हैं, बस स्टैंड के पास पहुंचने वाले। हम जा रहे हैं उनको लेने। तो अभी जस्ट सो के उठे, हल्का सा मुंह धोया है, तो चलो चलते हैं लेके आते हैं उनको। तो अपनी गाड़ी तो खैर हमारी यहाँ खड़ी है बगीचे के अंदर, गोरखा। बट गोरखा लेके नहीं जा रहे हम जा रहे हैं स्विफ्ट गार्ड लेके। तो चलो दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं सुबह सुबह का नज़ारा आपको मनाली शहर का। और दोस्तों सुबह सुबह चेक करो पहाड़ों पे सूर्य देव की किरणें कितनी जबरदस्त तरीके से पड़ रही है और पूरी बर्फ मेल्ट हो रही है, आप देख पा रहे होंगे सामने। और इस साइड की बात करूं तो इस साइड बिल्कुल अभी सूर्य की किरणें नहीं है। तो अब हम बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं, जो नंदगांव के पुजारी जी हैं वो पहुंचने वाले हैं, बस में आ रहे हैं। लेकिन भैया कितने दो पुजारी आ रहे हैं ना? हाँ, बरसाना वाले पुजारी हैं अपने बुजुर्ग। जय हो। अरे अपने दुली चंद भैया हैं। हाँ, नंदगांव वाले। तो बस अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं 2-4-5 मिनट में, तो मिलवाते हैं आपको उनसे भी। तो दोस्तों विशिष्ट चौक पहुंचे थे हम, जहाँ पे देखो कितना गंदा जाम लगा हुआ जी। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं, नए पुल पे पहुंच गए हैं माल रोड के आसपास। भाई साहब सुबह सुबह चेक करो जी, ये ऑयल टैंकर सीधा लद्दाख जा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख का रास्ता कल से खुल चुका है ऊपर का, और यहाँ पे आगे भी जाम बड़ा गंदा लगा हुआ है। तो लो जी हम पहुंच चुके हैं जी मनाली बस स्टैंड। यहाँ पे भाई साहब सुबह सुबह रश देखो कितना है। तो अभी जिनको हम लेने आए हैं उनकी गाड़ी यहाँ से 3-4 किलोमीटर पीछे है, बस पहुंचने वाले हैं, फिर आपको करवाते हैं दर्शन उनके भी। तो दोस्तों बस आ चुकी है, ये सामने स्वागतम करके बस है, इसमें हमारे नंदगांव बरसाना वाले पुजारी जी बैठे हुए हैं सामने, हमने देख लिया उनको। तो अभी उन्होंने हमको देख लिया, हमने उनको देख लिया। तो अभी हमने गाड़ी ऐसे साइड पे लगाई हुई, इस साइड से भाई बहुत ज़्यादा गंदा जाम है। हम जाएंगे दरअसल ओल्ड मनाली होते हुए, ये बस है। कोई नहीं, इनको जाने तो जाओ, उतारेंगे वहीं जाएंगे। अभी मैं वापिस आ चुका हूँ रूम में। तो भाई साहब इतना गंदा जाम था ना, सुबह हम 6:30 बजे गए हैं, 9:30 बजे वापिस आए हैं जी। 3 किलोमीटर डिस्टेंस 3 घंटे में, क्योंकि सारी पब्लिक जितनी भी मनाली में आई हुई वो सारी अटल टनल रोहतांग वाली साइड घूमने गई है। तो भाई साहब उस साइड जो हाईवे पे इतना जाम था, और मुझे यहाँ का रास्ता पता है, तो मैं ओल्ड मनाली से अंदर से गाड़ी लेके आया हूँ, वहाँ भी बहुत जाम था, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, हालत ख़राब है। तो चलो अभी फ्रेश हो लेते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर मिलते हैं गाइज, है ना। तो गाइज यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई कर दी है, और यहाँ पे श्रुति दोरे बर्तन। जय श्री राम। कैसे हो? बढ़िया। हाँ? अच्छा कैसी नींद है? सच्ची में बढ़िया है। हाँ। आज तो वैसे हम रूम में सोए थे ना, इसलिए नींद अच्छी आ गई। ऐसा नहीं है, पैंट भी अच्छी आ गई, दोनों की अपनी अपनी वाइब है। हाँ चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे दोस्तों हम सामान लेके आ गए हैं, क्योंकि किचन है हमारे पास, ये 2-4 दिन के लिए हमारे पास रूम है, तो किचन है हमारे पास, तो गैस है, बर्तन है, सब कुछ है, तो यही पे बनाएंगे, खाएंगे और आनंद लेंगे, है ना। तो फिलहाल जो 2-4 बर्तन हमारे ऐसे धोने वाले वो श्रुति धो रही है। तो चलो इसके बाद लव और दूसरा भाई वो गए हैं दुकान पे ब्रेड वगैरह कुछ मक्खन वक्खन लेने, चाय कॉफी कुछ बनाएंगे, तो दिखाएंगे आपको, है ना। बात करूँ मैं इस साइड से, तो भाई साहब अपने होटल के दूसरी साइड से व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही अल्टीमेट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक माउंटेन रेंज पूरी बर्फ दिख रही है भाई साहब। और ये पूरा बगीचा है सेब का पीछे भी। जय श्री राम सभी को, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं जो है सारे बर्तन धोकर आई हूँ, और अब नीचे जाके मैं गाड़ी में थोड़ा सामान लेकर आऊंगी नहाने के लिए। और नंदगांव के जो है बाबा जी आए हुए हैं, तो ये उनको लेने के लिए गए हुए थे, और बता रहे कि मनाली में जो है 3 घंटे का, मतलब 3 किलोमीटर, ये 3 घंटे में वहां पे पहुंचे हैं। पर कोई नहीं, चलो एनीवेज आगे आगे का काम करते हैं।
तो गाइस अभी जो है मैं गाड़ी के पास पहुंच गई हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सा सामान लेना है नहाने के लिए, साबुन वगैरह और शैम्पू वगैरह, और थोड़े से कपड़े भी लेने हैं। तो चलिए मैं लेती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर की ओर। अभी जो है मैंने कपड़े वगैरह ले लिए हैं और मैं ऊपर नहाने के लिए जा रही हूँ, फिर नहा के मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। तो लो जी गाइस, सुबह के 10 बज गए हैं और श्रुति नहा धो के अपना आ चुकी है फ्रेश होके। अभी देखते हैं, हम भी थोड़ा नहा धो लेते हैं भाई, फ्रेश हो लेते हैं। फिर आज गर्म पानी से नहाई, ठंडे पानी से? आधा गर्म आधा ठंडा, गीजर में पानी खत्म हो गया है। गीजर में? हाँ। अच्छा चलो, मैं जो है नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग किचन में आए हैं। और किचन में जो है हमने ये ब्रेड टोस्ट वगैरह बनाए हैं बटर से, और अभी यहाँ पे हमारी चाय बन रही है। हमारे पास ना चाय बनाने वाली पतीली नहीं थी, इस वजह से हम लोग कुकर में बना रहे हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, फिलहाल जिसमें मिल जाए। और अभी मैंने मैगी भी मंगाई है, अभी मैं मैगी भी बनाऊंगी अपने लिए। हंस तो लो, कुछ बोल लो। बोल लो जी, बोल लो। इतने इतने सीरियस होकर। फिर तिलक भाई कैसे हो? बढ़िया। फिर चलिए, कैसा चलिए लाइफ? बढ़िया चली है? बढ़िया चली भाई, बढ़िया। और यहाँ पे दोस्तों अभी हमारी मैगी बन के रेडी होने वाली है, आप देख पा रहे होंगे। बढ़िया से बैठ के हम किचन में बढ़िया से मैगी बना रहे हैं। तो इसके बाद अभी मैं नहा धो लेता हूँ, फिर खाते भाई मैगी। सबने नहा लिया। तो जैसा कि आप सबको पता है, 2 दिन से हमारे कैंप वहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी जा रहे हैं हम टेंट लेने, अपना टेंट वेंट क्लोज करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। चलते भाई अपनी गाड़ी लेके। दोस्तों अभी कहानी में आ जाएगी चेंजिंग, अभी हम अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं, 2 गाड़ियाँ जा रही हैं। तो हमारे टेंट अभी नहीं उखड़ेंगे, भाई बोल रहे हैं कि आज वहाँ पे सत्संग है तो हम रात को रेस्ट करेंगे, टेंट लगे रहने दो, कल उखाड़ लेना। तो अब हम कल ऐसे जाएंगे अभी चक्कर शक्कर लगाने, हमारे 2 बैग पड़े हैं, वो बैग लेके आ जाएंगे तो फिर वापस इधर ही आ जाएंगे ना। तो ये अपनी 2 गाड़ियाँ निकल रही हैं अभी। जय हो बाबा प्रकाशपुरी महाराज की जय। बोल अंजनी महादेव की जय। तो लो जी पहुंच चुके अंदर, अंदर भी एकदम पूरा पैक किया भाई साहब। तो हमारे साथ बरसाने वृंदावन वाले पुजारी जी भी आए हुए हैं, तो सबसे मिल रहे हैं। तो आ चुके हम यहाँ पे, हमारे टेंट एकदम सेफ लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे इन्होंने आलू बालू रख दिए हैं उबालने के लिए, तो हमारे इसमें बैग पड़े हुए वो ले जाएंगे, बाकी टेंट लगे रहने देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने अपने बैग पैक कर लिए, इसको रख लेते हैं गाड़ी में, फिर यहाँ से खाना वाना खाते हैं, फिर चलते हैं वापस रूम वाली साइड, है ना। क्योंकि यार हमारे बैग में सामान बहुत है डेली यूज़ करने वाला, तो वो टेंट में पड़े हुए टेंट हमने नहीं निकाले हैं, वो कल निकालेंगे। अब वापिस रूम वाली साइड श्रुति के लिए, और बाबा जी है वहाँ पे, एक उनके लिए खाना ले लिया, पूड़ी रोटी और सब्जी वगैरह खीर वगैरह ले ली है। तो चलते हैं अभी रूम वाली साइड। तो दोस्तों मैं जो श्रुति के लिए लेके आया था खाना, पूड़ी और सब्जी और चाय, कैसा लग रहा रे? अच्छा रेस्ट करी ना ठीक ठाक? इंतजार कर रही थी मैं इनका, ये लेट आए हैं, ये 2 बजे का खाना 4 बजे खिला रहे हैं। हमने खुद 3 बजे खाया, क्या कर सकते हैं।
तो दोस्तों 7 बजने वाले, हम अभी रूम में ही हैं, थोड़ी बहुत हमने रेस्ट करी है तो लेटे हुए थे, तो इसके बाद अभी चेक करो मौसम पैक होने वाला, अंधेरा होने वाला और ऊपर एकदम मौसम ख़राब हो चुका है। दिन में अच्छा खासा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा था बट अभी कुछ भी नहीं दिख रहा और अभी अंधेरा होने वाला गाइस। और हम अभी अपने रूम में ही है, श्रुति यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रही है और लक्की भैया ओम नमो नारायण, सब रेस्ट कर रहे हैं जी अपने अपने हिसाब से। और यार रात को जगना, रात का जगना, रात को वहाँ पे आश्रम में सत्संग है तो सारे हम वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ा कीर्तन भजन करके आएंगे है ना, और श्रुति भी जाएगी, फिलहाल ये रेस्ट कर रही है अभी, फिर इसको ले जाएंगे, तैयारी है ना। हाँ। सही है। सो गाइस शाम के जो है 7 बज रहे हैं और अभी लक्की भैया ये और हम तीनों जो है बाहर आए हैं थोड़ा शॉप वगैरह पे, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना है हम लोगों को, क्या लेना है, फ्रूट वगैरह, दूध एंड कुछ लेंगे। अच्छा तो अभी चलते हैं फिर आगे की ओर, देन उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। भैया क्या ले रहे हो? हम ले रहे अखमानी फ्रूट। अखमानी लिया है हमने। अच्छा। हाँ, अखमानी फ्रूट होता है ना, ये लिया अखमानी आधा किलो, एक किलो मतलब एक किलो अखमानी ले लिया और 1.5 किलो मटर लिया, हरा हरा मटर चेक करो कितना प्यारा है, लाहौल का कितना लंबा साइज है इसका। और मैंने यहाँ पे ये 2 चिप्स और 1 नमकीन लिया है, गिर गया मेरा नमकीन। ले लिया, ले लिया, ले लिया, ये बिलिंग करवाएंगे अभी। ठीक, हम लोगों ने जो है थोड़ा सा सामान ले लिया है, थोड़ा इन्होंने पकड़ा है, थोड़ा लक्की भैया ने पकड़ा है, आम लिया है, कीवी लिया है, दूध, चिप्स वगैरह बहुत सारी चीजें लिया, आपको घर जाके दिखाते हैं हम लोग होटल पे पहुंच के। हाँ तो गाइस अभी जो है हम लोग अपनी गाड़ी के पास आए हैं थोड़ा सा सामान निकालने के लिए, यहाँ पे थोड़े चावल निकाले हैं और सरसों का तेल और टमाटर, हम लोग जो है पुलाव बना रहे हैं, वेज मिक्स पुलाव, तो थोड़ा सामान ले जाते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग खरीद के लिए आए जो सामान हमारे पास अवेलेबल नहीं था और कुछ चीजें हमारे पास थी। सो गाइस आज मैं जो है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी खाने वाली हूँ, जिसका नाम है मोरल मशरूम, MORL मोरल या मोरल आप कुछ भी बोल सकते हैं, और उसे पहाड़ी देसी लैंग्वेज में इसको गुच्छी बोला जाता है, और इसका रेट जो है ना 30,000 यानी कि 30,000 से स्टार्ट होकर जो है 1,00,000 तक जाता है, और ये तिलक भैया के जो है ना घर के पास होती है, ये पहाड़ी इलाकों में ही होती है, आप लोग देख सकते हैं ये एक तरीके की मशरूम है और ये बहुत ज़्यादा मतलब उनमें हाँ, इनके बहुत बीमारियों में काम आते हैं ये। बाकी तिलक भाई के इलाके के तिलक भाई अच्छे से बताएंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। बहुत सारे बेनिफिट है, वैसे तो इसको खाने से ब्लड भी पतला होता है और आई मीन्स और काफी सारी इसे बीमारियों और काफी बीमारियों में यूजफुल है। अच्छा तो और काफी एक्सपेंसिव है और बहुत ही ज्यादा ढूंढने से मिलता है, ऐसे तो इजिली प्रोवाइड नहीं होता है, जंगलों में काफी झाड़ियों के बीच में ढूंढना पड़ता है। सही बात है। और वैसे नेचुरली उगता है, कहते हैं कि आसमानी बिजली जब गिरती है और तब कुछ उगती है। सही बात है। ये डिपेंड अपॉन साइज होता है, टाइम के हिसाब से इसका साइज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। अच्छा हाँ जी, तो इसके काफी बेनिफिट है। तो आज हम ये बनाने वाले हैं दोस्तों, मटर के साथ गाजर और ये गुच्छी डालेंगे और बढ़िया चिल करेंगे और इसका एंजॉय करेंगे। पावर। दुनिया की सबसे महंगी, सच्ची बात है, गूगल कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चावल रख दिए कुकर में और यहाँ पे तिलक भाई मेरे साथ लगा हुआ है हेल्प करवाने। तिलक भाई ने गुच्छी एकदम पानी में भिगो के रख दिया, हरे मटर, गाजर, आलू, टमाटर सब आप देख पा रहे होंगे। तो ठीक है अभी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, है ना। तो दोस्तों लो जी हमारी गुच्छी हो चुकी है फ्राई तेल में बढ़िया से, है ना, और ये हरे मटर, गाजर, आलू और यहाँ पे बढ़िया सा तड़का लग चुका है। आज हम प्याज यूज नहीं कर रहे क्योंकि जो पुजारी जी आए हुए हैं वो प्याज और लहसुन नहीं खाते बिल्कुल भी, तो आज हम सिंपल सा खाना बना रहे हैं बढ़िया सा, और राइस हमारे बन चुके हैं कुकर में, बढ़िया बना लेते हैं। ये हमारे गाजर फट गए भाइयों, मटर, तो दोस्तों टाइम हो चुका है 9:30 बजे का और अभी भूख लग चुकी है, खाना खा रहे हैं, ऐसा कुछ हमारा खाना है गुच्छी की सब्जी है भाई, तो खा लेते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना काफी, मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करके जाए, है ना भाई। कैसी सब्जी बनी है? एकदम बढ़िया बनी है भाई, मस्त ना। हाँ एकदम।